एवरीवन, मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम अष्टमी और नौमी स्पेशल माता को भोग लगाने और कन्या भोजन वाले परफेक्ट मसाले वाले काले चने बनाएंगे, बिना ज्यादा मसाला और टमाटर का यूज किए, बिल्कुल अलग तरीके से। तो आज की मेरे इस तरीके से इन चनों को जरूर बनाएं और टेस्ट की गारंटी मेरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और भी अच्छी रेसिपीज के लिए। इन चनों को बनाने के लिए मैंने काले चनों को रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने यहाँ पे हाफ कप काले चने लिए हैं, मींस हाफ कप और एक मुट्ठी बस एक्स्ट्रा है। ऐसा क्यों वो आपको आगे देखने को मिलेगा। मींस आपको भी जितनी क्वांटिटी लेनी है लीजिए, लेकिन थोड़े से चने एक्स्ट्रा ले लीजिए मुट्ठी भर। अब ये चने रात भर अच्छे से फूल चुके हैं, अब इन चनों का पानी निकाल देंगे और केवल चनों को कुकर में ले लेंगे। अब इस कुकर में इतना पानी डालना है कि चने अच्छे से भीग जाए। तो ये देखिए पानी चनों से थोड़ा सा ऊपर है। इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे और ढक्कन बंद करके इसे गैस पे पकाना है। तो पहले मीडियम आंच पे आप इसमें 2 सीटी आने दीजिए। जब 2 सीटी आ जाए मीडियम आंच पे, उसके बाद कुकर को स्लो कर दीजिए। फिर स्लो आंच पे करीब 10 मिनट के लिए आप इसे पकने दीजिए। जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे ओपन करिए एंड एक चना उठाकर चेक कर लेंगे कि ये चने पक गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए आसानी से ये चने ऐसे हाथ में मैश हो रहे हैं, मींस ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इन चनों के पानी को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप ग्रेवी वाले चने बना रहे हैं तो इसी पानी को यूज़ करिएगा, बट अभी हम यहाँ पे काले सूखे चने बना रहे हैं तो मैं इसमें से थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी, बाकी पानी मैं दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लूँगी। तो मैंने जो मुट्ठी भर काले चने लिए थे उतने ही मुट्ठी भर उबालने के बाद इसे निकाल लेंगे मिक्सिंग जार में और इसमें डालेंगे थोड़ा सा काले चनों का पानी और इसका एक बारीक पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब एक बोल में लेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक। नमक हमने पहले चनों को उबालते समय भी डाला था। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर टू टेस्ट, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हम यहाँ भी डालेंगे और थोड़ा सा बचा के रखिएगा, उसे हम ऊपर से भी डालेंगे। अब इन मसालों में पानी डालकर इसका हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस तरह से मसालों को सब्जी में डालने से एक तो मसाले जलते नहीं हैं और इसका स्वाद और फ्लेवर भी सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। अभी सारी प्रिपरेशन हो गई है तो एक कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। इस गरम तेल में डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, अदरक के लंबे कटे हुए टुकड़े, हरी मिर्च 1 टुकड़े में कटी हुई और 1 स्लिट की हुई, 2 पिंच हींग। अब इसे 30 से 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लीजिए, लेकिन आंच मीडियम से लो ही रखिएगा। अब इसमें डालना है चनों का पेस्ट जो हमने रेडी करके रखा था पीस कर, तो इसी मसालों में अब हम ये चने का पेस्ट डाल देंगे। चनों का पेस्ट बना के डालने से एक मसाला भी रेडी हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन चनों में। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर इन काले चनों को बना के देखिएगा। इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसी चनों के पेस्ट में आप डाल देंगे पिसे हुए मसालों का पेस्ट। और अब इन मसालों को करीब 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम से हाई आँच रखते हुए भून लीजिए, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और अगर ज़रूरत लगे तो चने का ही पानी इसमें डालकर इसे भूनते रहिए। तो ये देखिए इस मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है और ये मसाला एक साथ आ गया है, मींस ये अच्छे से भुन चुका है। करीब 4 से 5 मिनट ही लगेंगे आपको इस मसाले को भूनने में। अब इसमें फिर से थोड़ा सा काले चने का पानी डाल दीजिए और फिर उबले हुए चने डाल दीजिए और चनों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे सारा मसाला चने पर अच्छे से कोट हो जाए। और बस 2 मिनट के लिए हाई आँच पर और भून लीजिए। ये चने भोग के लिए बिल्कुल रेडी है। ऊपर से डाल दीजिए कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से लंबे कटे हुए अदरक के टुकड़े। ये अदरक के टुकड़े जब चने के साथ मुँह में पड़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर और स्प्रिंकल कर दें, इसे भी ज़रूर डालें। तो ये लीजिए माता के भोग के लिए काले चने मसाले वाले एकदम रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक शेयर करिए मुझसे कमेंट सेक्शन में। और रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।